फैजाबाद के जिला महिला चिकित्सालय में सेफ डिलीवरी को लेकर चल रही 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद के डॉक्टर एस के दीक्षित, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर साधना राठौर एवं जिला प्रशिक्षण अधिकारी सरजू खान के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहे। फैजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता सहयोगी राहुल शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। किस तरह की मीटिंग हुई जिला अस्पताल महिला में? देखिए, ये हमारी स्टाफ नर्स हैं जो कि हमारे पेरिफेरी के अस्पतालों में पोस्टेड हैं, उसमें शहर के अस्पताल भी हैं और देहात के भी हैं। तो इन लोगों को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि डिलीवरी, सेफ डिलीवरी कैसी करनी है, उसके बारे में इनको बताया गया है कि जिससे कि ये आराम से डिलीवरी कर सकें और सही तरीके से। इनको ये मालूम हो कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं और यदि कोई सेफ नहीं है तो ये उसको रेफ़र कर दें हायर सेंटर पर। इसके लिए इनको दक्ष किया जा रहा है। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो इनको आज इस बैच का आखिरी दिन है और ये आज इसलिए इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है? ये एक बैच में 12 लोग होते हैं। तो ये इस तरह ये 7वां बैच है हमारा। तो हमने ये सब लोगों को इसमें दक्ष कर दिया है और अब जो डिलीवरी में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आनी चाहिए। ये ट्रेनिंग चल रही है, दक्षता प्रशिक्षण इस संदर्भ में है कि जो छोटे अस्पतालों में पेरिफेरी पे या FRU पे जो स्टाफ नर्सेस कार्यरत हैं वो खतरों के चिन्ह पहचाने, मतलब वो मरीज़ को देख के ये पहचाने कि इनको किस समय यहाँ से रेफ़र करने की बड़े अस्पताल में आवश्यकता है। जो वो हमारे टाइमली रेफ़र करें तो मरीज़ के लिए हम ज़्यादा उसके हित में काम कर सकें, क्योंकि अक्सर ये होता है ये लोग खतरे नहीं पहचान पाते हैं तो मरीज़ लेट रेफ़र होकर आता है, तो उस स्थिति में मरीज़ की कंडीशन को ठीक करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। तो इस ट्रेनिंग से इनको बहुत लाभ होगा और ये आगे अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग है जी।